हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली Xiaomi लॉन्च करने जा रही है अपना Redmi Note 10 सीरीज। Redmi Note 9 सीरीज को आए ठीक एक साल हो चुके हैं। इसी फरवरी 2020 में Redmi Note 9 सीरीज को Xiaomi ने लॉन्च किया था और उसके बाद उस सीरीज में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के लॉन्च हमें उस सीरीज में ही देखने को मिले, बट कुछ नया देखने को नहीं मिला था। तो फाइनली कुछ न्यू डिजाइंस, कुछ न्यू फीचर्स के साथ Xiaomi लेके आ रही है अपना Redmi Note 10 सीरीज। एंड दोस्तों, आपको भी तो पता ही होगा कि Redmi Note सीरीज का लोग इंडिया में जमकर वेट भी करते हैं और जमकर खरीदते भी है। खैर, हम आपको ये भी बता देते हैं कि Redmi Note सीरीज को फ्लैगशिप किलर भी कहा जाता है। मतलब कि ये सीरीज जो है वो मिड रेंज कैटेगरी में लॉन्च होती है, बट इसमें जो फीचर्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं वो लगभग फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स की ही तरह देखने को मिलते हैं। तो लोग इसे बाय करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा अच्छे फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। बट हमने ये भी देखा है कि Redmi Note सीरीज के कुछ ऐसे भी सीरीज रहे हैं जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, लाइक Redmi Note 6 सीरीज एंड Redmi Note 8 सीरीज। तो देखते हैं कि Redmi Note 10 सीरीज क्या कुछ कमाल करती है और ये एक फ्लैगशिप किलर साबित होती है या नहीं। हेलो गाइज, दिस इज द राकेश नायक एंड यू गाइज आर वॉचिंग डोर टू टेक। लेट्स बिगन द वीडियो। खैर चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड Redmi Note 10 के स्पेक्स, प्राइसिंग, लॉन्च डेट के बारे में। सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 10 के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में एंड Redmi Note 10 Pro के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये फ़ोन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी लिस्ट हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि ये फ़ोन एक महीने के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेज की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे IPS पैनल आपको देखने को मिलता है। AMOLED स्क्रीन वगैरह का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे हमें 128 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। एंड इस डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में आपको एक छोटा सा पंच होल कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिसको कि अभी लेफ्ट साइड में बताया जा रहा है। तो यार, आप मुझे बताओ कि आपको कैमरा का सेटअप जो है वो किधर पसंद है, बीच में या फिर लेफ्ट साइड में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना आपका क्या चॉइस है। तो चलिए फटाफट से अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता है 4GB के रैम के साथ में। हालांकि रैम का जो वेरियंट है वो भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको 4GB एंड 64GB का एक वेरियंट देखने को मिल जाएगा और अगला जो वेरियंट है वो 6GB एंड 64GB का देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इस प्रोसेसर को पावर करने के लिए यहाँ पे आपको 5050 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, USB-C टाइप, तो काफ़ी अच्छी बात। बट इसका जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा या फिर अलग से आपको लेना होगा, ये अभी कुछ पता नहीं है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशंस वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यही था Redmi Note 10 ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड स्पेक्स का वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल कन्फर्म्ड स्पेक्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, सब कुछ Redmi Note 10 के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं Redmi Note 10 Pro के भी बारे में। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। एंड पीछे के भी कुछ वीडियोज आप जाके देख सकते हो, जो कि है पोको के ऊपर, बेस्ट स्मार्टफोन्स के ऊपर, जो कि 7000 में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, खास करके टेलीग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।